नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दिल्ली से बड़ी खबर की, चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर बैठक है। 15 मार्च को पीएम मोदी की अगुवाई में यह बैठक होगी। शनिवार को चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया था, अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया था और अब इसे लेकर के बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें 15 मार्च को पीएम मोदी की अगुवाई में यह बैठक होगी। बेहद खास इस बैठक को माना जा सकता है क्योंकि चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर यह बैठक होनी है। आपको बता दें कि शनिवार को चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया था, अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त है जो पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अब चयन होना है जिसको लेकर के 15 मार्च को बैठक बुलाई गई। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी दिल्ली में। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। एमपी की 5 सीटों पर उम्मीदवार तय हो जाएंगे। एमपी की बची 5 सीटों पर नामों का ऐलान भी हो सकता है कल। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कल हो सकता है। इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बालाघाट, धार पर इंतजार लगातार किया जा रहा है। 5 सीटों पर कल उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। कल शाम 6 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। बेहद खास क्योंकि 5 सीटों पर नामों का ऐलान होना है, इंतजार किया जा रहा है। ये हॉट सीटें हैं, इसमें से छिंदवाड़ा जो लक्ष्य है बीजेपी का, उस पर भी देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी क्या फैसला लेती है, किसे मैदान में उतारती है। तो 5 सीटों पर फैसला होना है और जल्द ये भी कहा जा रहा है कि ये सभी नाम सामने होंगे। सूची जो दूसरी है वो भी जारी बीजेपी के द्वारा कर दी जाएगी। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी और बैठक के बाद फैसला ले लिया जाएगा, मुहर नामों पर लग जाएगी और ऐसी संभावना है कि कल ही सूची जारी हो सकती है बीजेपी की ओर से। दूसरी सूची कल जारी हो जाएगी। 5 जो बची हुई सीटें हैं उन पर लगातार मंथन जो है बीजेपी में चल रहा है, इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, धार। तो ये वो नाम है जहां की सीटों को लेकर के लगातार मंथन हो रहा था और ऐसे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कल ये नाम सामने आ जाएंगे। खबर राजगढ़ से है जहां जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां 1.5 घंटे तक बिजली नहीं रहने की वजह से पीआईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित रही। पीआईसीयू में भर्ती बच्चों को काफी दिक्कतें भी हुई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पीआईसीयू के लिए जनरेटर का इंतजाम क्यों नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए के 10 जनरेटर रखे गए हैं, उसके बाद भी पीआईसीयू में जनरेटर से बिजली की सप्लाई क्यों नहीं की गई। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता। जिला अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है तो बच्चों की जान से यहां पर साफ तौर से खिलवाड़ किया गया है और आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पीआईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई और इससे बड़ा हादसा हो सकता था। ये बड़े सवाल हैं, बच्चों की जान से खिलवाड़ आखिर क्यों। ये न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है कि बच्चों की जान से आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। बड़ा हादसा होने पर आखिर जिम्मेदारी किसकी होती, कौन जिम्मेदारी लेता इसकी अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो। आखिर ऐसी अव्यवस्थाएं कब तक रहेंगी, कब तक सुधार किया जाएगा, कब तक जान से खिलवाड़ बच्चों की होता रहेगा। तो पीआईसीयू में जनरेटर का इंतजाम आखिर क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। कोई बड़ा हादसा हो जाता तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता, ये बड़े सवाल न्यूज 18 पूछ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, जिला अस्पताल की ये बड़ी बड़ी लापरवाहियां सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन हम देखते हैं जिला अस्पताल में किस तरह से अव्यवस्थाएं होती हैं और कहीं ना कहीं मरीज साफ तौर से परेशान होते हैं। ये बड़ी यहां पर समस्या, आखिर यहां पर किसी भी तरह का हादसा होता है, कोई भी परेशानी हो जाती है, जान चली जाती है, तो कौन आखिर जिम्मेदारी लेता इन सब की। बिल्कुल, देखिए सरकारी अस्पतालों में इस तरीके की लापरवाहियां सामने आना, अव्यवस्थाओं का आलम होना, ये सारी चीजें जो हैं वो आम बात होती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी अस्पताल से इस तरीके की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं और कई बार तो मरीजों की जान पर तक बन आती है। राजगढ़ की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार जो नाराजगी है, चाहे वो जनता में हो, जनप्रतिनिधियों में, वो दिखाई देती रही है। और जो मौजूदा नया मामला सामने आया है ये अपने आप में काफी हैरान कर देने वाला है क्योंकि इस पूरे मामले में जो लापरवाही
लापरवाही बरती गई है उससे सीधे तौर पर जो नन्हे मासूम बच्चे हैं उनकी जान पर संकट, उनकी जान पर जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बना हुआ था। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब जो विरोध के स्वर हैं वो भी उठ रहे हैं और जो जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले को लेकर उनकी कार्यप्रणाली पर भी तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस सब में ये है कि जो जिम्मेदार हैं वो कब अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाएंगे, क्यों पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होती, क्यों हर इसी से निपटने के लिए तमाम जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं होती हैं, इन सबको लेकर जो है वो आने वाले समय में काफी काम करने की जो आवश्यकता है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। इस बारे में भी जानकारी दीजिए कि आखिर कितनी देर तक बिजली प्रभावित रही और ऑक्सीजन वहां पर बच्चों को नहीं मिल पाया, फिर सिविल सर्जन हो या फिर जिला कलेक्टर हो वो क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या कुछ जो कार्रवाई है वो इस पूरी गंभीर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ की जाती है और आने वाले समय में। ठीक, लौटूंगी आपके पास मैं। डॉक्टर किरण जो सीएमएचओ हैं जिला अस्पताल का, नितिन जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी गई है, पीआईसीयू वार्ड में यहाँ पर ऑक्सीजन एकदम से बंद हो जाना, आखिर ऐसी अव्यवस्थाएं क्यों? अगर किसी की जान चली जाती तो आखिर जिम्मेदार कौन होता? नहीं, ऑक्सीजन बंद नहीं थी, हमारी टीम खुद मौके पर पहुंच। जी लाइट नहीं थी, तो लाइट नहीं थी इसके कारण लाइट जो उस वक्त कोई भी बच्चा ऑक्सीजन पर नहीं है और हमारे यहाँ बैकअप है, थोड़े देर बैकअप चलता है, उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम दूसरे वार्ड से व्यवस्था कर लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हमारी टीम वहां पर खुद पहुंची, वहां पर लोगों का यही कहना था कि व्यवस्थाएं हैं और कई काफी देर तक वहां पर इसी तरह की व्यवस्था रही, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही थी जिस वजह से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती थी। ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेते हैं। जी ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, ऑक्सीजन की जरूरत कोई बच्चा ऑक्सीजन तो था ही नहीं। ठीक बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बात करते हैं हड़ताल की, जहां पर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है। 11 मार्च तक काली पट्टी बांधकर ये काम करेंगे। 1,00,000 रुपए वेतन की मांग इनके द्वारा की जा रही है। एजुकेशन फीस कम करने की भी मांग हो रही है। रूरल बॉन्ड खत्म करने का भी मुद्दा इनके द्वारा उठाया जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होने पर ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने बड़ी चेतावनी दी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आंखों पर काली पट्टी बांध करके ये काम करेंगे। भोपाल का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर फिर से हड़ताल की राह पर जूनियर डॉक्टर्स आ चुके हैं। 11 मार्च तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 1,00,000 रुपए वेतन की मांग है। साथ ही साथ एजुकेशन फीस कम करने की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है। ये भी बता दें कि रूरल बॉन्ड खत्म करने का भी मुद्दा इन लोगों ने उठाया है। मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो बड़ा फैसला इनके द्वारा लिया जा सकता है। सीधे बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया जाए। हमारी जो चिकित्सा शिक्षा की फीस है उसे 10,000 से 15,000 तक किया जाए, जो कि अभी 1,15,000 है और हमारे पड़ोसी राज्यों में यही फीस 10,000-15,000-20,000 रुपए है। और भोपाल में 102 ग्रामीण महिलाएं ड्रोन उड़ाएंगी। ड्रोन फ्लाई के बाद पीएम मोदी महिलाओं से संवाद भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश भर की महिलाओं को ड्रोन फ्लाई की ट्रेनिंग दी गई है। प्रशिक्षित महिलाएं अब ड्रोन दीदी बन गई हैं। 11 मार्च को देश की 1,092 ड्रोन प्रशिक्षित महिलाओं से एक साथ ड्रोन फ्लाई करवाया जाएगा। कार्यक्रम देश भर में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का रखा। भोपाल में कार्यक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेसेस रिसर्च सेंटर फंदा में ये कार्यक्रम, और जहां पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की 102 महिलाएं ड्रोन उड़ा करके उन लोगों ने कर्तव्य दिखाया। इस दौरान प्रधानमंत्री ड्रोन दीदियों से बात करते हुए भी नजर आए। मोदी जी का भी बहुत बहुत थैंक यू कि हमारे बारे में इतना सोचा, तो थैंक यू मोदी जी, थैंक यू एनएफएल जो संस्था है वो। मैंने मतलब इफको से मेरा चयन हुआ था ट्रेनिंग लेने के लिए, तो फिर ग्वालियर में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई। वहाँ पे 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन हम लोग की थ्योरी क्लास लगती है, फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है। जो टेस्ट क्लियर कर लेता है उसके बाद उसको प्रैक्टिकल मतलब उसमें कंप्यूटर के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि ड्रोन ये बड़ी चीज है। अगर कोई
बिना प्रैक्टिस के सीधे ग्राउंड में उतार दें तो फिर क्रैश भी हो सकते हैं। तो उसके पहले उस सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग करवाई गई, उसमें जब अच्छे से लोग परफेक्ट हो गए उसके बाद उनको ग्राउंड में उतारा गया। हाँ, वहाँ अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे खुद से फ्लाई करना है तो खुद से भी फ्लाई कर सकते हैं। और अपन जैसे अपना खेत एक एकड़ मान लो 5 एकड़ का है तो अपन ने पहले मैप बना सकते हैं इसमें, फिर उसमें ऑटो में डाल दो, मतलब इसमें मोड होते हैं 3, तो उसमें ऑटो मोड में डाल दो, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, रिमोट पकड़ के खड़े रहो, ड्रोन अपने आप जाएगा पूरा 1 एकड़ कवर करके, नीचे जहाँ से स्टार्ट किया था ना वहीं आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारी मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से 102 ड्रोन दीदी आई हुई हैं, जिनका रिहर्सल चल रहा है, इनका सेकंड है, और कल 11 तारीख को 10 बजे सुबह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसका वर्चुअल माध्यम से इनॉग्रेट करेंगे, और हमारी जो दीदी आई है उनको हम सर्टिफिकेट और ड्रोन वितरित करेंगे। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि ये एक आने वाले समय में ड्रोन की एक कृषि में क्रांति पैदा होगी। सर, भारत के इतिहास में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर पीएम मोदी 15 अगस्त 2023 को लाल किले से एक स्कीम अनाउंस करते हैं कि हम 15,000 महिलाओं को ड्रोन देंगे और उनको ड्रोन दीदी बनाएंगे। 103 दिन के अंदर ये स्कीम बनी, कैबिनेट में पास हुई और आज आप सबके सामने ये स्कीम ग्राउंड के ऊपर है। मतलब उसमें रिमोट में सर हम एक बाउंड्री बनाते हैं, उसी में हमारा ड्रोन उड़ेगा। जैसे एक खेत रहेगा ना तो उसमें हम जाके जियो फेंसिंग कर लेंगे। हाँ। तो जितना जैसा खेत है, जैसा खेत का साइज है, उसी हिसाब से हम जो जियो फेंसिंग करेंगे और उसी में हमारा ड्रोन दवाई स्प्रे करेगा। 12 मार्च को पीएम मोदी मध्य प्रदेश को 85,000 करोड़ से ज्यादा की रेल विकास कार्यों की सौगात देंगे। पीएम मोदी वर्चुअली विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी भोपाल रेल मंडल के DRM देवाशीष त्रिपाठी ने दी है। सवा 9 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा VC के द्वारा लगभग 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें कि ईस्टर्न DFC, वेस्टर्न DFC के कुछ भाग हैं, रेलवे वर्कशॉप हैं, नई रेलवे लाइन है तथा रेलवे लाइन का दोहरीकरण विद्युतीकरण है, रेलवे गुड शेड है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के स्टॉल हैं, जन औषधि केंद्र हैं और इत्यादि। ग्वालियर के एयर टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया और इस एयर टर्मिनल को 500 करोड़ की लागत से बनाया गया है। पीएम मोदी ने जबलपुर एयरपोर्ट का भी वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव के मौसम में पहले की सरकार में बैठे लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। 2019 में भी हमने शिलान्यास किए थे, वे चुनाव के लिए नहीं किए, उसका हम लोकार्पण कर चुके हैं। यह विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेजी से दौड़ रहा हूं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया, अब 3 नए एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, उज्जैन, गुना और शिवपुरी में भी एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। '19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। ये ग्वालियर का हवाई अड्डा जिसका सपना आपने और हमने देखा था, मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मेरी आजी अम्मा के नाम पर ये एयरपोर्ट का नामांकन हुआ, मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा स्थापित किया गया था ये एयरपोर्ट। उसके पहले जीवाजीराव महाराज के द्वारा ग्वालियर का महाराजपुर का अड्डा स्थापित किया गया था। एयरपोर्ट ने बना है विकास का एक नया कीर्तिमान बना है। माननीय प्रधानमंत्री ने आज पूरे देश के एयरपोर्ट का आज लोकार्पण किया है और ये सुविधाएं बढ़ रही है। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का वो मजबूत इरादा जिसमें वो सब क्षेत्रों में विकास करना चाहते हैं।
जबलपुर में भी डुमना एयरपोर्ट विस्तारीकरण का लोकार्पण हुआ। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और बीजेपी विधायक मौजूद रहे। पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। करीब 460 करोड़ रुपए की लागत से डुमना एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। ग्वालियर एयरपोर्ट पर लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से ही मजदूरों के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने मंच से मजदूरों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 1625 रुपए से बढ़ाकर 11450 रुपए प्रति महीना करने की घोषणा की। अर्धकुशल मजदूरों को मजदूरी 1764 रुपए से बढ़ाकर 12446 रुपए प्रति महीना करने का ऐलान किया। साथ ही अब खेतीहर मजदूर की मजदूरी 1396 रुपए से बढ़ाकर 9160 रुपए करने की घोषणा की। जो मजदूरी की दर एक जैसी थी, हम उनको बढ़ा करके पहले अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 1625 थी, उसे बढ़ाकर हम 11450 करने की घोषणा कर रहे हैं यहीं से। विदिशा में खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने को मिला। स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन हुआ, खिलाड़ियों ने जमकर नारेबाजी की। ग्राउंड की अव्यवस्था को लेकर ये सभी खिलाड़ी नाराज हैं और इसी वजह से प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। विदिशा की तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्राउंड की अव्यवस्थाओं को लेकर के खिलाड़ी नाराज हैं और इसी वजह से ये प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। देख रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं फिजिकल के लिए, और खेल प्रशासन का ये कहना है कि हम खेल मेंटेनेंस के लिए खेल परिसर को कहीं ना कहीं सिंचाई करते हैं, जिस कारण से बंद करते हैं। ना तो यहाँ सिंचाई की जाती है और ना ही पानी पीने की व्यवस्था है, ना ही किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।